मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फेस स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं वन लाइनर के रूप में जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी और एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मात्र 50 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ज़्यादा स्पीड में देखेंगे और इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना एक बार। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, एक बार में दो या तीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन मैंने एक दो दिन पहले भी आपको बताया है, ठीक है। वो ऑप्शन में था लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या रहेगा? चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना से एनएस विक्रांत को कब हटा दिया गया। एनएस विक्रांत क्या? एनएस विक्रांत एक युद्धपोत है, मतलब कि एक जहाज था, ठीक है। उस जहाज को कब हटा दिया गया, किस सन में हटा दिया गया, आपको बताना है। तो ये हटाया गया 1997 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगली स्लाइड पर चलेंगे। अगला स्लाइड में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, देखिए थर्ड है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए वर्तमान सुरक्षा सलाहकार कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ये रहेगा अजीत डोभाल। अभी भी अजीत डोभाल है भाई, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गैस गुब्बारे में कौन सी गैस होती है। गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस होती है जिससे वो ऊपर उड़ता है, यानी कि इसका मतलब होगा वो हल्की गैस होगी। अगर हल्की गैस होगी तो वायुमंडल से जो हमारी गैसें उनसे हल्की होगी, तो उस गैस वो गैस कैसी होगी, वो ऊपर उठेगी। तो कौन सी गैस होगी, वो हीलियम गैस होगी। क्या होगी? हीलियम गैस होगी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स। फाइव नंबर वाला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान अधिनियम 1976 के रूप में भी जाना जाता है। कौन से संविधान को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। किसको? 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 में किस अभिनेत्री ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो ये किसने जीता, तो ये जीता है श्रीदेवी ने। किसने जीता? श्रीदेवी ने। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये दिया था सरनाथ में, यहाँ पर देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि NSD की बात करें, ठीक है, 2018 के लिए थीम क्या है। ओके, थीम क्या थी आपको ये बताना है। ओके, एक आपको थीम क्या थी, थीम ये थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये एक थीम थी यहाँ पर क्वेश्चन की बात में लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD कब मनाया जाता है। तो आंसर आएगा ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया था? 28 फरवरी को। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भाई कौन है? दीपक मिश्रा। और फ्रेंड्स देखिए, दीपक मिश्रा हैं अभी, ठीक है। और देखिए, सभी से मैं बोलूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आंसर कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहिएगा, नहीं कर रहे हैं कमेंट तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये है फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, दमिश्क किस देश का, किस देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी, सॉरी किस देश का राजधानी का राजधानी शहर है, ठीक है। आंसर दीजिएगा, कमेंट करना है आपको, बताने दमिश्क जो है किस देश की राजधानी, तो ये है सीरिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस हंसते हुए गैस के रूप में जानी जाती है, यानी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। ओके, अगला क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आंसर रहेगा आपका जिम्नास्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में आया है, ये रहेगा शुक्र। अगला कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा किला कहाँ पर है। क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है गोलकुंडा किला कहाँ पर है, तो इसका आंसर रहेगा ये कहाँ, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको बताना है, तो ये रहेगा हम्पी में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद भारत के समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 44। क्या रहेगा? अनुच्छेद 44। अस्पृश्यता की बात करें तो सत्तर सॉरी सेवनटीन वाला है, ठीक है। ओके,
ओके okay, और जाति की बात करें, कोई भी किसी व्यक्ति से जाति वगैरह बात करें तो वो जातिवाद के लिए तो वो 15 नंबर आर्टिकल होता है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण की बात करें, वन की बात करें, अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1980 में, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन है, कार्टोग्राफी का अध्ययन किसे कहते हैं? कार्टोग्राफी जो होता है अध्ययन किसको कहते हैं? तो ये होगा, किस चीज़ का अध्ययन होता है? ये होता है मानचित्रों का। अगला क्वेश्चन है, अल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? अल्केन के लिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसके जाना जाता है? ग्रेगोरी मेंडल को, ग्रेगोरी मेंडल। आप इसको याद रखिएगा, मेंडल करके, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, अमर सोनार बंगाल किसने लिखा था जो बंगाल देश के लिए राष्ट्रगान है? ठीक है, तो ये किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ने किससे किसने लिखा, अष्टाध्यायी जो है किसने लिखी है? तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन, पंडित जी ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो ये किया रॉन्गटन ने। किसने किया? रॉन्गटन ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पहले भारतीय को नाम दें जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया था मीटर का। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 के लिए पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? 2018 की बात हो रही है, तो ये किसने? रोजर फेडरर ने जीता। अगला क्वेश्चन 33 नंबर वाला, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 जो था महिला कप जो है किसने जीता? तो ये था है कैरोलिना वोंजिके। अगला क्वेश्चन 34, मुगल वंश की स्थापना किसने करी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये रहेगा बाबर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौशल सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किससे किसने जीता? तो देखिए, इनको एक तो शांति पुरस्कार मिला, पीस पुरस्कार देता है, लिखे तो पीस पुरस्कार जो दोनों को दिया गया, देखिए नो एक तो दिया गया है कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं, तो इनको साथ में मिला है मलाला यूसुफ़ाई को। किसको मिला है? मलाला यूसुफ़ाई को। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माय वे बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुकी है, तो ये आंसर रहेगा सचिन की है, सचिन द्वारा लिखी गई है, और सचिन की जो लिखने में इनको मदद की है वो की है बोरियर मजुमदार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गूगल के CEO कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है, ये रहेगा सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहेगा आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस मार्स गैस के रूप में भी जानी जाती है? मार्स गैस यानी कि सूर्य की गैस की बात हो रही है, तो ये रहती है मिथेन CH4। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता ने 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है, जीता विनोद खन्ना ने, ये मरणापांत पोस्ट हिमिशली जीता। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन आया है 2019 के एग्जाम में SSC CGL में, तो ये रहेगा ऑप्शन 22 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो गठन कब हुआ, किस सन को हुआ? तो ये हुआ 15 अगस्त 1996 में। वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये कौन है भाई? अर्जित पटेल, ओके। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, लोकसभा का पहला वक्ता कौन था? पहला स्पीकर कौन था, वक्ता कौन था भैया? गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है, ये थे पहले वक्ता या स्पीकर की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भाई? बहुत सिंपल है, मध्य प्रदेश में, ओके। हाल ही में भारत का सबसे लंबा सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, ये रहेगा पवन चामलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2017 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती? ये किसने जीती भाई? ये जीती है विराट कोहली ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा है भाई? ये रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो ये है आंटोनी गुटेरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
2020 के लिए आईसीसी टी20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो ये कहाँ खेला जाएगा आंसर बताइएगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा कमेंट करिएगा। तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ खेला जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की 20-50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है फ्रेंड, एग्जाम में जो है कई बार आ चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट लक आपके एग्जाम के लिए।